गाइस कितना जी, दिस इज एम एन बी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, चेक इन हो चुका है, अंदर कुछ खाने जा रहे हैं। मतलब सुबह के बजे अभी 7:20 हो चुका है, तो ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है। ब्रेकफास्ट बोलने की लेट डिनर बोले समझ नहीं आ रहा, जो भी बोलो, बिकॉज दोनों सोए नहीं है, तो ठीक है अभी के लिए ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं। ये अच्छा, ये वो होता है क्या कहते हैं, तो नजर नहीं लगेगी ये उस पे, उसके वजह से आता है सेंटर में, पता है, क्योंकि नजर लगी हुई है। मेरे को मम्मी बोलते हैं। चलो हो गया ऐसा, बट अभी तक आपको ये पता लग गया होगा कि हम जा रहे हैं लंदन। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, एंड वो स्टोरी मैं आपको बाद में वहाँ पहुँच के बताऊँगा, काफ़ी इमोशनल स्टोरी है मेरे लिए, तो वो आपको बताऊँगा अच्छे से। बट वी आर सुपर एक्साइटेड, दोनों का ड्रीम ट्रिप है, दोनों की ड्रीम डेस्टिनेशन में लंदन था, एंड हम जा रहे हैं फाइनली। इट्स गोना बी सो मच फन। मेरे को अभी तक नहीं हो रहा, अभी हम ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल जा रहे हैं, तो हमारे जो फर्स्ट ले ओवर है उस पर थोड़ा हमें लगता है ऐसे एक्साइटमेंट होगी, हो सकते हैं, बट आई थिंक तो मेन तो वहीं पहुँच के वही ठीक है। पहले अभी कुछ खाते हैं यार, बहुत तीन घंटे की फ्लाइट के बाद हम पहुंच चुके हैं दुबई। दुबई में हमारा हॉल्ट है 2 घंटे के लिए। हम सो गए थे, बट ऐसा लग रहा था कि 4-5 घंटे हो चुके हैं, और हम उठे और फिर भी फ्लाइट में खाना पर खाना बहुत अच्छा था यार। मैंने चिकन राइस खाए, अपने पालक पनीर एंड राइस, आलू करी, वाओ परफेक्ट मील मिल गया। मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था, चावल वगैरह एंड पास्ता भी साथ में, तो अच्छा हो गया, गुड मील। अभी पहुंच चुके हैं दुबई, 2 घंटे बैठते हैं यहाँ पे, रेस्ट करते हैं, बहुत अच्छी खाने की जगह है यहाँ पे, वो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फूड विलेज, एंड फिर लंबी फ्लाइट है काफ़ी, उसमें भी सोना ही है। नॉट प्रिपेयर्ड, शिट, लेट्स सी कैसी जाएगी। अभी के लिए चिल करते हैं यहाँ पे 2 घंटे दुबई में। सो गाइस हमें गेट चेंज करना था, हम गेट चेंज कर आ चुके हैं, बस नीचे फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं, एंड हम वहाँ पे बैठे थे, हम कुछ खाने लगे थे, बट उन्होंने एकदम से नोटिस किया कि बोर्ड पे लिखा था जहाँ पे हमें गेट पे जाना था 8:24, उस पर बस बनी हुई थी, तो उन्होंने कहा हमें बस लेके तो नहीं जाना। मैंने कहा शिट, ये भी हो सकता है। हमने पूछा तो हमें पूरा बस ट्रैवल करके चेंज करके आना था। शुगर उन्होंने, गुड जॉब उन्होंने, देख लिया। मैंने हम वहीं खाने बैठे रहते किसी और गेट पर, पूरा बस बैठ के हमें पता नहीं कितना घुमा के लेके आई है, तो हम आए इस गेट पे, और हमारे पास टाइम पूरा ही था, मतलब हम पहुंचे और बोर्डिंग शुरू हो चुकी। थैंक यू उन्नति, अमेजिंग जॉब। सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू बोर्ड आवर सेकंड फ्लाइट व्हिच इज फ्रॉम दुबई टू लंदन, एंड ये रहने वाले कुछ 7-8 घंटे की फ्लाइट। खाना हो चुका है सर्व, खाने में राइस, चिकन कोरमा, एंड उसके साथ है बिस्किट्स, एंड बिस्किट्स के साथ उन्होंने दिया है चिरार चीज, मूस केक, वी हैव अ वेरी हेल्दी पास्ता, एंड ऑल्सो उन्होंने साथ में दिया है एक ओट्स एंड हनी स्नैक बार, एंड अलॉन्ग विद अ पीस ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड। वाओ, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मील। फाइनली आफ्टर 7-8 आवर्स ऑफ फ्लाइट, सिर्फ 21 मिनट्स रह गए टू लैंड इन लंदन, एंड द एक्साइटमेंट इज जस्ट टू हाई। यू कैन क्लियरली सी इट ऑन आवर फेस, द एक्साइटमेंट, इट वॉज अ ड्रीम फॉर अस, एंड फाइनली इट इज कमिंग ट्रू। Unnav is gonna be in London. Woohoo! Are in London and look at the light. Light से पता लग जाता है यार। 8 बज चुके हैं शाम के, एंड हम कहाँ आ चुके हैं, रास्ते कहाँ से, अच्छा 8 बज चुके हैं और ये लाइट आ रही है, अनबिलीवेबल। वहाँ तो हमारे रात हो जाती है इतने बजे तक,
और यहाँ पे भी ये शूट भी कर सकते हैं बाहर जाके, मतलब सच में अमेजिंग। अभी चलते हैं अपना बैगेज कलेक्ट करते हैं, फिर थोड़ा टैक्सी सॉर्ट करते हैं एंड फिर चलते हैं अपने जगह पे, होटल पे जहाँ पे हमारा स्टे है, एंड फिर आपको दिखाता हूँ, टूर देता हूँ कि हम कहाँ पे रहने वाले हैं अपने कुछ स्टार्टिंग वाले दिनों में लंदन में। सो गाइस रूम में आ चुके हैं, सामान रख दिया है एंड सामान बिखर जाए उससे पहले आपको दे देते हैं पूरा जो हमारा अपार्टमेंट है उसका टूर। उन्नति देगी आपको टूर। ओके सो यहाँ से होता है ये रहा मेन डोर, यहाँ से होता है अपार्टमेंट हमारा रूम स्टार्ट। पहले आते ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स वॉशरूम है, पूरा वाइट क्यूटी फुल जीवन। यहाँ पे ये एक मिरर मिल गया फोटोज के लिए, परफेक्ट जो हमारा ओजी फोटोज रहती है। उसके बाद भी एंटर एंड देयर इज अ बेडरूम, नाइस। यहाँ से व्यू आएगा सुबह पता लगेगा, बट व्यू यहाँ से बहुत प्यारा, उन्होंने अपग्रेड कर दिया था हमारा। वो बोल रहे थे कि व्यू सर आपके लिए बहुत अच्छा है, तो ये सुबह उठ के हमें पता लगेगा। एंड ये लोकेशन इज वेरी क्लोज टू लंदन ब्रिज, 10 मिनट्स है ना यहाँ से लंदन ब्रिज, कितना 10 मिनट्स यहाँ से रहेगा लंदन ब्रिज। तो मतलब एक रोड पार करके पीछे लंदन ब्रिज और पूरी वो मेन रोड है वो वहीं पे, पूरे प्राइम एरिया पे है वाली जगह। सो ठीक है, ये हो गया रूम, आगे चलते हैं अब। दिस इज द रूम, क्यूट सी, वेरी नाइस। ये सिटिंग एरिया पे, यहाँ पे मैं एडिट करते हैं, यहाँ पे तो आपको मेकअप का सामान आएगा, एडिट नहीं हो पाएगा। उसके बाद इज द अदर रूम, दिस इज द ड्रॉइंग रूम, सोफा, यहाँ पे हम करेंगे मीटिंग्स अपनी जस्ट मीटिंग। यहाँ पे हम 2 दिन ही है वैसे तो, 2 डेज के लिए हमारा। So, yeah. वन डे तो हो ही गया आज, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आज, तो सिर्फ डिनर करने जाएंगे। कल का दिन होएगा मेरे लिए यहाँ पे, सो एक ही दिन समझ लो आप। उसके बाद यहाँ से भी दोबारा व्यू आता है पूरा बाहर, एंड यहाँ पर है बहुत ही प्यारी सी किचन एरिया। वो कॉफी मशीन पड़ी है बस, और तो कुछ नहीं पड़ा, कॉफी मशीन केटल, थोड़े से बिस्किट्स कुकीज पड़ी है, एंड मेन ये है कि माइक्रोवेव पड़ा, अपना खाना वगैरह गर्म कर सकते हैं। अच्छा यू कैन कुक, अच्छा फिर तो नीचे सामान भी होगा पूरा, मतलब यूटेंसिल्स वगैरह सब रहेगा ही आई गेस, डिश वॉशर, फ्रिज, खुल नहीं पा रहा थोड़ा फ्रिज, ये रहा फ्रिज, तो है सारा सामान किचन का भी वहाँ पे, अपना यहाँ कुक भी कर सकते हैं, पूरा स्टोव वगैरह है सीन, इलेक्ट्रिक स्टोव है आई गेस। तो ये था टूर, अब हम करते हैं रेस्ट थोड़ा, क्योंकि पूरे एक दिन का ट्रेवल हो चुका है। So, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हम डिनर के लिए निकलेंगे, देखते बाहर ही जाएंगे कहीं पे, बिकॉज डिनर के लिए रास्ते में हमने जगह देख ली थी, डिनर की बहुत प्यारी प्यारी जगह थी। अगर वो खुली रही, हमें पता नहीं यहाँ पे कितनी देर से खुली रहती है वो जगह, बट अगर खुली रही तो बाहर जाके डिनर करते हैं। ऐसे पड़ा के लिए थोड़ा रेस्ट। So guys,
बैक टू द होटल एंड डिनर का अपडेट ये है कि हमें आखिरी एक चीज पता लगी है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, तकरीबन 10:15, 10:30 तक सब रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं एंड हम 11:30 तो बाहर निकले। हमें लगा हमें मिल जाएगा बिकॉज इंडिया में तो खुले रहते हैं लेट लेट तक, बट यहाँ पर नहीं था कुछ भी, सिर्फ बार प्लेसेस खुली थी जहाँ पे सिर्फ ड्रिंक्स मिल रही थी। हमने कहा ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए इस टाइम, खाना चाहिए। तो रास्ते में एक जैसे हमने देखा कि वो थी फूड वैन, उसमें तो उन्होंने आइसक्रीम एंड क्या कहते हैं नगेट्स थे वो, चीज फिंगर चीज स्टिक्स वो तो ले ली, बट अभी कुछ डिनर ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमने होटल में आके वापस पूछा, उन्होंने बोला उनकी तो 24/7 सर्विस है, तो या तो हम होटल से मंगाएंगे या तो यहाँ का जोमेटो टाइप्स एक ऐप है या तो उससे ऑर्डर करेंगे, उस पर भी सब कुछ अवेलेबल है। सो देखते हैं, मतलब डिनर होगा हमारा आज का तो रूम में ही आराम से चिल करते करते, बाहर बड़ी अच्छी वॉक होगी, वॉक तो बहुत सही थी, वॉक करके मजा आ गया। उन्नति का तो प्रॉपर विद आइसक्रीम, इंडिया से बोल के आ रही थी कि मेरे को वहां जाके आइसक्रीम खानी है, फोटोज खिंचानी है, ये तो अभी इसने स्टार्ट किया, बट डे के टाइम तो फिर पिक्चर चाहिए ना विद आइसक्रीम। मेरे को कॉफी के साथ चाहिए, मैं खींची है यहां पे भी, मेरे को चाहिए कॉफी एंड क्रोइसॉन के साथ और इसको चाहिए आइसक्रीम के साथ। ठीक, गुड डील, आप मेरी खींच देना, आपकी खींचूंगा। ये भी एक खींची है बट ये अभी टाइम पास है, इसको दिन के टाइम चाहिए अच्छी प्रॉपर फोटो विद वाइब्रेंट कलर्स। तो गाइस फिर डिसीजन ये बना कि हमने होटल से ही खाना मंगा लिया, बिकॉज होटल में ही सीजर सैलेड था, मेरे को सीजर सैलेड ही खाना था एंड वो ही मैंने मंगा लिया। उन्होंने थी कुछ लाइट सा खाना था तो टोमेटो सूप मंगा लिया, सो ये परफेक्ट होने वाला है। ये कर रहे हैं हम डिनर एंड सुबह उठेंगे फिर ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे बिकॉज लंदन का पहला ब्रेकफास्ट रहने वाला है, सो वो तो बहुत अच्छा होएगा, बट अभी के लिए ये खाते हैं, लुक्स वेरी यम। फिर डिनर करता हूँ डन, अपना सैलेड खा के फिर मैं करूँगा रेस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है एंड यहीं पे करते हैं ब्लॉग खत्म। पहला दिन लंदन में एंटर हो चुके हैं, कल से तो आज तो अभी एंटर हुए हैं जस्ट, कल से तो पूरा अभी तो मैंने देखा भी नहीं अच्छे से, रात को इतना पता नहीं लग रहा, दिन के टाइम तो पूरा निखर के आएगा। कल के और आगे वाले सारे ब्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड आपको बहुत मजा आने वाला कॉन्टेंट तो आता रहेगा भर भर के। So yes, this was it. I hope you liked the video. If you do, hit the like button and do subscribe to my channel. I'll see you guys tomorrow with another vlog. Bye, good night.